नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दया धर्म का मूल होती है। देखिए मित्रों, हमें अपने जीवन में कभी भी दया करनी नहीं छोड़नी चाहिए। कब तक दया करें महाराज जी, बताओ हमें दया कब तक करनी चाहिए। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, वो हत्यारा सामने खड़ा है द्रौपदी के, लेकिन फिर भी द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि द्रौपदी के अंदर दया है। अच्छा, दया हमें कब तक करनी चाहिए? जब तक कि हम जिंदा हैं। हमारे मरने के बाद तो हम किसी पर दया नहीं कर सकते। क्या आप लोग मरने के बाद किसी को एक रोटी दे सकते हो? नहीं। इसीलिए दोस्तों, अपने जीते जी दे देना, क्योंकि मरने के बाद आप नहीं दे सकते। मरने के बाद आप झुक सकते हो अपने माँ बाप के सामने? नहीं। ये शुभ काम भी आप लोग अपने जीते जी कर लेना, क्योंकि मरने के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है। आपको बता दे कि मरने के बाद आदमी अकड़ जाता है। क्या आपको पता है, मुर्दे को अर्थी में बांध कर ले जाते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी मुर्दे को बांधकर शमशान घाट क्यों ले जाते हैं? फिर हमने कहा कि कहीं वो मुर्दा उठकर फिर चल ना दे, इसलिए बांधकर ले जाते हैं। देखिए होता क्या है, एक बहू की सास मर जाती है। अब सास को ले जा रहे थे शमशान घाट उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, और रास्ते में एक खंबा था। सभी लोग ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बस होता क्या है, सबका ध्यान हट जाता है और लोग खंबे से भिड़ जाते हैं। जब वे खंबे से भिड़े तो सास को धक्का लगा। पता नहीं क्या हुआ, वह उठकर बैठी हो गई उसी अर्थी में और वापिस आ गई। और उसकी बहू ने देखा कि सास आ गई, वो भी मर के। अरे राम राम, ये नहीं जाएगी। फिर बहू ने अपने पति से पूछा कि ये जिंदा कैसे हो गई। उसका पति बोला, अरे ये खंबे से टकरा गई। कुछ दिनों बाद फिर सास मर जाती है, और जब सास को ले जाने लगे तब बहू ने कहा कि सुनो, और तो सब ठीक है पर खंबे से बचा कर, अब ना टकरा जाना खंबे से, नहीं तो फिर वापस आ जाएगी। इसलिए मुर्दे को अर्थी से बांध कर ले जाते हैं कि कहीं तुम किसी खंबे से या किसी और चीज से टकरा गए तो फिर उठकर ना बैठ जाए, इसलिए बांध कर ले चलो। दोस्तों, इसका अर्थ यही हुआ कि दया हमें अपने जीवन में कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें अपने जीवन में झुकना सीख लेना चाहिए जीते जी। अक्सर मरने के बाद मुर्दे अकड़ जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा मरने के बाद। अगर तुम जीते जी अकड़ गए तो एक मुर्दे से कम नहीं हो। द्रौपदी के अंदर इतनी दया है, इतनी करुणा है कि उसके सामने उसके पुत्र का हत्यारा खड़ा है, लेकिन फिर भी उसे माफ कर रही है। दया धर्म का मूल स्रोत है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक माँ है और माँ करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। इसलिए एक माँ करुणा का सागर होती है, करुणा की प्रतिमूर्ति एक माँ होती है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।